राजस्थान में अभी सीपी जोशी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है और आपको नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है, तो आगामी चुनाव में देखा जाएगा तो इसका कितना असर पड़ेगा डायरेक्ट? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता नीत पार्टी है। हमारे यहाँ पद व्यक्ति परक नहीं होते, पद को हम इंस्टीट्यूशन मानते हैं, इसलिए पदों में के बदलाव से कोई बड़ा परिवर्तन नहीं। परंतु ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार हर बूथ पर, बूथ से भी नीचे पन्ने तक तैयारी कर रखी है और कांग्रेस का कुशासन भी सामने है। लोगों ने इस अंतर्द्वंद से बनी हुई सरकार को भुगता है, विकास ठहरा हुआ है, कानून व्यवस्था जर्जर है और चारों ओर हर वर्ग में असंतोष है, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की सबसे बड़ी पराजय इस बार होगी। भाजपा कई गुटों में विभाजित है, तो इसको आप कैसे खत्म करेंगे? मैं नहीं समझता कि भारतीय जनता पार्टी किसी गुटों में विभाजित है। आपने देखा होगा कितनी सहजता से दो बड़े परिवर्तन हो गए, नेता प्रतिपक्ष का भी हो गया और प्रदेश अध्यक्ष का भी हो गया, और वही टीम जो पहले सतीश जी पूनिया के अभिनंदन में खड़ी थी, वही सीपी जोशी जी के अभिनंदन में खड़ी हैं। खुद सतीश जी और हम लोग साथ खड़े हैं, इसलिए हम अलग अलग नहीं हैं, हम एक हैं। सतीश पूनिया जी पहले प्रदेश अध्यक्ष थे, अब उनको उप नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, तो इसका आगामी चुनाव में कैसा असर नजर आएगा? सतीश जी हमारे साथ दौड़ रहे हैं, सतीश जी जमीनी नेता है, युवा मोर्चा से लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तक उनका सक्रिय योगदान रहा है। हम सब मिलकर काम करेंगे, एकजुट होकर काम करेंगे। आप भी हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं, अब जो RTH लागू हुआ है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, कितना जनता के लिए लाभकारी है? ये जनता के लिए लाया ही नहीं गया था। राइट टू हेल्थ का झुंझुना पकड़ा कर मुख्यमंत्री जी की आदत है, कभी सोशल सिक्योरिटी एक्ट की बात करते हैं, कभी किसानों के लिए डेट रिलीफ एक्ट की बात करते हैं, पर इस एक्ट के पीछे उनका मकसद सिर्फ आभासी तौर पर लोगों को गुमराह करने का है। राइट टू हेल्थ के दायरे से सारे निजी चिकित्सालय निकल गए तो किस प्रकार का अधिकार है? कोई अधिकार है ही नहीं। तो आने वाले चुनाव में मोदी जी और शाह जी के चेहरे से चुनाव लड़ा जाएगा या विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा? हमारा सबसे बड़ा चेहरा मोदी जी का चेहरा है, लोकप्रिय नेता है, विश्व के लोकप्रिय नेता है।